किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। आज 28 अप्रैल है और जो लोग सर्दियों की फसल लेना चाहते हैं उन्होंने अपने पौधों में कटिंग शुरू कर दी होगी या पत्ते चूटने शुरू कर दिए होंगे। पत्ते चूटने का अर्थ है कि वो ऊपर से लास्ट के दो पत्ते छोड़कर बाकी सभी पत्तों को हटा देते हैं और फिर नई कलियाँ निकलती हैं। किसान साथियों आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। पहला है कि हम ये कटिंग क्यों करते हैं और ये पत्ते क्यों चोटते हैं, दोनों में क्या अंतर है, और दूसरी हम बात करेंगे कि कैसे पता करें कि अब सही समय आ गया है आपको अपनी कटिंग करने का या फसल लेने का। किसान साथियों ये पौधा देखिए, ये ललित का पौधा है और इस पौधे पर मैं बरसात की फसल ले रहा हूं और फिर कोशिश करूंगा कि इस पर मैं सर्दियों की फसल भी लूं। ये मधुमक्खियां किस प्रकार पौधे पर हैं, इस पर भरपूर मात्रा में फूल आए हुए हैं। किसान साथियों जो मैं पहली बात कर रहा था कि इस समय आप कुछ उस पर देखेंगे कि ये जो फूल है खिलने के बाद में, ये देखिए ये जो फूल है और इसमें अमरूद बन गया है नीचे, अगर आप ध्यान से देखें। किसान साथियों आपको यहाँ पर एक कार्य अवश्य करना है कि जितने भी फसल ले रहे हैं बरसात की, तो आप उसके पौधे के आसपास बिल्कुल सफाई रखें उसकी कैनोपी में, और वहाँ पर ये सुनिश्चित करें कि आपकी जो फल मक्खी होती है वो कोई भी अंडा न देने पाए। इसको अच्छी तरह से निराई गुड़ाई कीजिए और इसमें उस दवाई का इस्तेमाल कीजिए जिससे कि वो उसके अंडे सब नष्ट हो जाए। दूसरा ये है कि आप इस पर यहाँ पर एक स्प्रे करिए। इसके लिए बाज़ार में कई दवाइयाँ आती हैं, अपने ग्रुप में पूछिए, एक्सपर्ट से पूछिए। और ये देखिए इस समय फल मक्खी इन पर डंक मार देती है और यहाँ से वो अपना अंडा छोड़ देती है, और बाद में जब फल धीरे धीरे बड़ा होता है तो अंदर ही अंदर वो बढ़ता रहता है और आपके अमरूद को ख़राब कर देता है। तो इस समय ये बिल्कुल उचित समय है। किसान साथियों एक मैं और चीज़ बताने जा रहा था, मेरी देखरेख एक तरह की है। ये वैरायटी कहते हैं कि बर्फ़ खान है, आप इसमें देखिए बहुत कम मात्रा में फूल आए हुए हैं। आजकल मधुमक्खियाँ बहुत हैं और सुबह सुबह जब मैं बाग में घूमता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कम कलियाँ हैं इसमें। ये देखिए इसमें मुश्किल से 10, 15 या 20 के करीब फल मिल सकते हैं मेरे को। ये देखिए बहुत ही है, कितनी बड़ी डंडी हो गई। ये देखिए इस पर यहाँ पर 3 शाखाएं चली हैं, इस पर फूल है, इस पर फूल कलियां हैं, इस पर कली नहीं है। अक्सर कर मैंने ये देखा है कि जहां पर 2-3 शाखाएं होती हैं वहां पर सभी में फल नहीं होता है। इस वैरायटी में ये देखिए यहां पर 3 हैं, तीनों में किसी पर भी कोई भी फल नहीं है। ये देखिए यहां पर कोई भी कलियां नहीं पर है। उस पेड़ से अधिक मात्रा में फ्लावर हैं, एक ही वैरायटी है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इस प्रकार क्यों है, इसमें काफ़ी मात्रा में कलियां आई हुई हैं लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर ये देखें इस शाखा पर कोई कली नहीं है, इस शाखा पर कोई कली नहीं है, इस शाखा पर कोई कली नहीं है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है पर फिर भी काफ़ी मात्रा में है। ये देखिए ये भी वही वैरायटी है, इस पर भी फल हैं, काफ़ी कलियां हैं लेकिन उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। ये भी वही है, पौधा है जो बर्फ़ खान का है और इसमें फिर भी ठीक मात्रा में फल आए हुए हैं। ये देखिए
लेकिन यहाँ पर देखिए ये दो शाखाएँ हैं जो बहुत पास पास हैं, इस पर फल आए हैं, ये देखिए ये कलियाँ हैं, और इस पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर देखिए इस पर कोई भी नहीं है, पर फिर भी काफ़ी मात्रा में है। किसान साथियों, अब बात करते हैं सर्दियों की फसल की। ये मेरा पौधा है जो जून में 2 साल का हो जाएगा। ये मैंने एक दूसरी जगह से विस्थापित किए थे तो इनकी बढ़वार थोड़ी उतनी नहीं हो पाई, पर देखिए काफ़ी अच्छी इसकी कैनोपी है और अच्छी तरह है। मैंने इसकी जो ये कलियां थी, मैं इसमें सर्दियों की फसल लेना चाहता था, इसमें नहीं ली मैंने बरसात की फसल, तो मैंने ये कलियां तुड़वा दी थी, काफ़ी मात्रा में इस पर कली आई थी। और ये धवल वैरायटी का है जो मैंने जयश्री नर्सरी बनारस से ख़रीदे थे। ये देखिए किसान साथियों, ये भी धवल का पौधा है, और इसमें आप थोड़ा सा ये ध्यान से देखेंगे कि ये जो मेरी, ये मैंने इसको अक्टूबर में इसकी कटिंग की थी, और ये शाखा इतनी लंबी हो गई इसकी, यहाँ से कटिंग की थी मैंने इसको, और ये शाखा इतनी लंबी हो गई, और इसमें यहाँ पर भरपूर कलियाँ आई थी जो मैंने तुड़वा दी थी, नहीं ली थी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये इतना पोर्शन इसका पक गया है, तो मैं इसको यहाँ से इसको कटिंग करूँगा, यहाँ से इसको कटिंग करूँगा। और आप अगर इसके तने को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहीं कहीं आपको कल्ले नज़र आएंगे, बहुत छोटी, धीरे से अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो है ना, ये इसको आप यहाँ से, ये जो ये कल ये है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से कल्ला निकलने वाला है, ये पहचान होती है इसकी। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये इसको ध्यान से देखिए, इसको देखिए, ये निकलने लग शुरू। इस प्रकार यहाँ पर सब जगह देखेंगे आप तो आपको कहीं ना कहीं ये नज़र, ये देखिए ये निकलने वाला है, ये निकल, जैसे ही मैं इसको यहाँ से कट करूँगा तो ये कल्ला क्या होगा, ये जितनी भी एनर्जी है, ये ऊपर की एनर्जी है जो जा रही है इन पत्तों में, वो सारी यहाँ कल्लों के रूप में निकलेगी, और ये सब नए कल्ले चलेंगे, और जिन पर मुझे नए फ्लावर मिलेंगे जो कि बरसात के होंगे। तो किसान साथियों, समय, किस समय आपको कटिंग करनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जगह जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जहाँ गर्मी अधिक है वहाँ पर थोड़ा सा देर से हो सकता है, बरसात देर से आती है वहाँ थोड़ा देर से कर सकते हैं, लेकिन अमूमन जो अंतर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन का होगा। तो ये सही समय है, उत्तर भारत में आप कटिंग कर सकते हैं इस समय। कुछ लोग क्या करते हैं कि इनके पत्ते नोच देते हैं, कहते हैं कि पत्ते चूंट दो, मेरे से फ़ोन आते हैं इस तरह से, वो इनको पत्ते चूंट देते हैं, ये इस तरह से। अगर आप थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान दो तो इससे भी क्या होता है कि जितनी एनर्जी पत्तों में जा रही थी, जितना भोजन पौधे का पत्तों में जा रहा था, वो सब अब यहाँ से कल्लों के रूप में निकलेगा और उन्हें बहुत कल्ले प्राप्त होंगे। किसान साथियों, मुझे बहुत से किसान भाई लिखते हैं कि जी हम तो पत्ते चूंटते हैं, हम पत्ते चूंट दे क्या। तो मैंने भी इस बार सोचा है कि कुछ पौधों में मैं सिर्फ पत्ते चुटाई कराऊँगा और उनमें कटिंग नहीं कराऊँगा, और ये देखूँगा कि उनमें क्या अंतर है। जो फरवरी के उसमें कलियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, ये देखिए ये मैंने सब तुड़वा दी हैं, और अब जो कटिंग होगी उसमें सब समाप्त हो जाएगी। किसान साथियों, ये थी मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दो बातों पर। पहली ये कि आपको इस समय जो फ्लावर आए हुए हैं और फल बन रहे हैं, जो बरसात की फसल है, उसमें इस समय क्या देखभाल ज़रूरी है, उसमें आपको फल मक्खी का प्रबंधन करना है। और दूसरा मैंने बताया कि आपके लिए जो लोग सर्दी की फसल लेना चाहते हैं तो उनके लिए सही समय क्या है और उसकी पहचान कैसे करें। ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा कल्ले आ रहे हैं, ये जैसे ही मैं इसको कट करूँगा यहाँ से, ये बहुत तेज़ी से फूटेंगे, ये देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए ये कितने हैं। तो आप बाग में घूमिए और ये पता करिए कि क्या मेरे यहाँ कटिंग का समय कॉन्टैक्ट हो गया कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।